आज मैं आपको बताने वाली हूँ डायमीटर ऑफ फीटल स्कल के बारे में। आज हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे डायमीटर ऑफ फीटल स्कल एक ट्रिक के थ्रू, जिससे आप इजीली याद रख पाएंगे कि जो डायमीटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और जो इनका मेजरमेंट होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है। साथ ही इसमें हम देखेंगे प्रेजेंटेशन और एटीट्यूड ऑफ हेड। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। ये अधिकतर भूल जाता है कि जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में, कौन सा डायमीटर कितने सेंटीमीटर का होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक ट्रिक के थ्रू ये इजीली याद कर लेंगे कि जो डायमीटर है वो कितने सेंटीमीटर का, कौन सा डायमीटर होता है। तो ये शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि जो डायमीटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो डायमीटर मेनली टू टाइप के होते हैं, एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और एक होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है ये 6 होते हैं और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है ये 4 होते हैं। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्रिक के थ्रू हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एटीट्यूड ऑफ हेड, प्रेजेंटेशन, डायमीटर और यहाँ पे मेजरमेंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो भी यहाँ डायमीटर पढ़ रहे हैं तो हम डायमीटर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक गेम की जैसे लिखेंगे, जैसे हम टिकटॉक वाला गेम खेलते हैं तो वैसे ही हम इसको करेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे पेयर बना लेते हैं दो दो का और शुरुआत करते हैं वी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वी से। वी का मतलब होता है विनर, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, जो ये साइन है वी का, वी से होता है विनर। तो यहाँ वी से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वी हम दो दो का पेयर बनाएंगे, ये दो वी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे बी, ये बी हो गया। उसके बाद लिखेंगे एफ, तो ये दो दो के पेयर हमारे हो गए। हमने आपको बताया जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है ये 6 होता है। तो यहाँ पे 6 जो डायमीटर है उसका हमने फर्स्ट जो पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आई एम विनर। तो वी तो हमने कंप्लीट कर लिया, बचा एम, बिकॉज आई एम विनर, तो एम और विनर। तो एम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एम नहीं, यहाँ पे हमने 2-2 का पेयर बनाया था और यहाँ पे हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 3M एंड 3-0। अब क्या करेंगे कि जो ये अपर वाला पार्ट है और ये बॉटम वाला है इसको हम छोड़ देंगे और जो बाकी के 4 पॉइंट बचे हैं इसमें हम S जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं MB मतलब मेंटो वर्टिकल, मेंटो वर्टिकल। अब मेंटो वर्टिकल हो गया, अब एस एम बी, तो मेंटो वर्टिकल तो हमारा कंप्लीट है, एस हमको लगाना है। एस का मतलब यहाँ पे है सब, जहाँ पे भी एस लगा है इसका मतलब ही है सब। तो यहाँ पे सब लगा दीजिए और इसके बाद मेंटो वर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सब मेंटो बी से हो जाएगा ब्रिग्मा, तो सब मेंटो और ये ब्रिग्मा। फिर है सब ओ से हो जाएगा ऑक्सीपिटो, तो सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मा, सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मा। अब एस और ओ का पता है हमको कि सब एस से होता है सब और ओ से ऑक्सीपिटो और एफ से हो जाएगा फ्रंटल, यहाँ पे हो जाएगा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो और ये फ्रंटल। ओ एफ ऑक्सीपिटो फ्रंटल, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कि जो हमने डायमीटर लिखे हुए थे ये हमको तैयार हो गए। और कैसे तैयार किया हमने, यहाँ पे हमने पहले दो दो का पेयर बनाया, दो दो का हमने यहाँ पे पेयर बनाया वी बी एंड एफ। आप इधर हमने 3-3 का पेयर बनाया एम और 0। उसके बाद हमने 4 का पेयर बना लिया एस। अब देखेंगे हम मेजरमेंट, कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। बॉटम में जो ऑक्सीपिटो फ्रंटल है इसका डायमीटर है 11.5
सेंटीमीटर, उसके ऊपर जो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर है ये है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद जो सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमैटिक डायमीटर है वो है 9.5 सेंटीमीटर। अभी देखिए तीन जो डायमीटर है ये तो हमारे कंप्लीट हो गए, बचे ऊपर के तीन, यहाँ से हम जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे सब मेट्रो ब्रिगमैटिक है तो इसको हम लिख देंगे 9.5। अब जो सब मेट्रो वर्टिकल है इसको हम लिख देंगे 11.5। जो सबसे ऊपर वाला है वो है मेंटो वर्टिकल, तो जो देखिए सबसे ऊपर है मीन्स ये सबसे ज्यादा होगा, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं हम 13.5 to 14 सेंटीमीटर। तो देखिए इजीली याद हो जाएगा हमको, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा होगा 13 to 5 सेंटीमीटर से लेके 14 सेंटीमीटर तक, और जो बॉटम में है वो है 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जैसे ऊपर बढ़ेगा बॉटम से हम लेंगे, तो अगर बॉटम से लेते हैं तो 11.5 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर, आप देन 9.5 सेंटीमीटर, उसके बाद जस्ट अपोजिट कर देंगे 9.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 11.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसलिए हमने कैसे तैयार कर लिया। अब देखेंगे हम प्रेजेंटेशन, तो देखिए इसको भी जैसे हमने डायमीटर लिखा था ना वैसे ही प्रेजेंटेशन को भी हम एज ए ट्रिक लिख लेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे जो वी है हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, बॉटम से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, इसके लिए हम 3V का यूज करेंगे, ये 3V हो गया हमारे पास। उसके बाद लिखेंगे F, दो F लेंगे, उसके बाद लेंगे V। तो देखिए यहाँ पे भी जस्ट घटते हुए क्रम में है, जैसे हमने पहले V का पेयर लिया जो 3 था, उसके बाद हमने F लिया जो 2 था, उसके बाद V लिया जो 1 था। हमने डायमीटर में वर्ड लिए थे वही वर्ड हमने प्रेजेंटेशन में भी लिए हैं, बस यहाँ पे जो सीक्वेंस था 2-2 का पेयर था, उसके बाद 3-3 का पेयर था, उसके बाद 4 का पेयर था, और जो प्रेजेंटेशन में है पहले 3 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 1 का पेयर, लेकिन जो वर्ड होंगे वो डायमीटर का जो लास्ट वाला वर्ड होगा बस उसी सीरीज में होंगे। अब इसमें इजीली हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे बी है, बी से हो जाएगा ब्रो प्रेजेंटेशन, एफ से हो जाएगा फेस प्रेजेंटेशन, एफ से फेस प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स वर्टेक्स और वर्टेक्स। तो देखा आपने जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे सामने आ गए कि कौन सा डायमीटर कहाँ पे होगा तो कौन सा प्रेजेंटेशन होगा। अब हमको देखना है एटीट्यूड ऑफ हेड, एक्सटेंशन, ये 3 बार हमने लिख लिया एक्सटेंशन। उसके बाद लिखेंगे फ्लेक्शन एंड लास्ट में रिफ्लेक्स। तो देखिए यहाँ पे भी 3 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर वो सिंगल, एक्सटेंशन 3 बार, फ्लेक्शन 2 बार और डिफ्लेक्स 1 बार। अब इसके आगे हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली वर्ड ऐड कर देने हैं, एक्सटेंशन के आगे ऐड कर देना है पार्शियली, एक्सटेंशन फिर सेकेंड पॉइंट में ऐड कर देना है इनकम्प्लीट, आफ्टर देन कम्प्लीट, फिर फ्लेक्शन में कम्प्लीट, इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे हमारा जो डायमीटर ऑफ फिटल स्केल है ये भी कम्प्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा बनाने में मुझे टाइम लगा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे हम इसको सिर्फ 1 मिनट में याद कर सकते हैं। देखिए एटीट्यूड ऑफ हेड, अगर एक्सटेंशन पार्शियली है तो प्रेजेंटेशन प्रो होगा, अगर डायमीटर के अकॉर्डिंग देखें, अगर मेंटो वर्टिकल डायमीटर है तो वहाँ पे जो मेजरमेंट होगा 13.5 to 14 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे देखिए जो अगर मेंटो वर्टिकल है, मेंटो वर्टिकल अगर डायमीटर है तो ब्रो प्रेजेंटेशन होगा, और जो एक्सटेंशन होगा वो पार्शियली होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सब मेंटो वर्टिकल, देखिए सब मेंटो वर्टिकल अगर है तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट होगा 11.5 सेंटीमीटर, और अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो फेस प्रेजेंटेशन होगा और एक्सटेंशन इनकम्प्लीट होगा, मीन्स जब भी सब मेंट्रो वर्टिकल डायमीटर होगा वहाँ पे एक्सटेंशन इनकम्प्लीट होगा और फेस प्रेजेंटेशन होगा।
अब बात करते हैं सब मेंट्रो ब्रिगमैटिक की। तो सब मेंट्रो ब्रिगमैटिक में फेस प्रेजेंटेशन होगा और एक्सटेंशन कंप्लीट होगा। अगर सब मेंट्रो वर्टिकल डायमीटर है तो एक्सटेंशन इनकम्प्लीट होगा, और अगर सब मेंट्रो ब्रिगमैटिक डायमीटर है तो फेस प्रेजेंटेशन होगा और एक्सटेंशन कंप्लीट होगा। आप देखिए सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमैटिक, अगर सब ऑक्सीपिटो ब्रिगमैटिक डायमीटर है तो प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होगा और फ्लेक्शन कंप्लीट होगा। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल है, अगर डायमीटर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल है तो प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होगा लेकिन फ्लेक्शन इनकम्प्लीट होगा। नेक्स्ट ऑक्सीपिटो फ्रंटल, अगर ऑक्सीपिटो फ्रंटल है तो उस समय भी जो प्रेजेंटेशन होगा वो वर्टेक्स ही होगा लेकिन डिफ्लेक्स होगा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया एक साथ कि जो प्रेजेंटेशन है अगर वो ब्रो है तो कौन सा, तो जो बेबी का हेड का एटीट्यूड है वो कैसा होगा, बेबी का डायमीटर कौन सा होगा। अगर हम ये देख लेते हैं कि बेबी का डायमीटर कौन सा है तो इसलिए ये जान जाएंगे कौन सा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है और यहाँ पे बेबी के हेड का जो एटीट्यूड है वो कौन सा है। तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, अगर हम एक याद कर लेते हैं तो दूसरा इजली निकाल लेंगे। सिर्फ हमको ये डायमीटर जो है इनको एक ट्रिक के थ्रू जैसे हमने आपको बताया, अगर आप वैसे याद कर लेते हैं तो आप इन सबको भी याद कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, इजली आप पहले डायमीटर को सिक्वेंस में करिए जैसे मैंने बताया वैसे पेयर बना के, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन को लिखिए, और एटीट्यूड में तो कुछ नहीं करना है, बस एक्सटेंशन है 3 बार एक्सटेंशन लिखिए, फ्लेक्शन लिखिए उसके बाद डिफ्लेक्स लिख दीजिए। एक्सटेंशन में बस पार्शली इनकम्प्लीट कम्प्लीट, फ्लेक्शन में कम्प्लीट इनकम्प्लीट, और डिफ्लेक्स में कुछ लिखना ही नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर की। ट्रांसवर्स डायमीटर को भी हम एक ही ट्रिक के थ्रू याद कर लेते हैं कैसे। पहले हम एक फेस बना लेते हैं रफली, ये ईयर हो गया, ये हेड वाला पार्ट हो गया और ये चिन वाला पार्ट हो गया, हेड हो गया और ये चिन हो गया। अब देखिए जो ट्रांसवर्स डायमीटर है ये काउंटिंग में 4 होते हैं, तो जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर तो इसको हम सबसे ज्यादा पॉइंट देंगे, मीन 9.5, इसको हमने 9.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया, हमने इसको सबसे ज्यादा मार्क्स दे दिए। अब इसको कहते क्या है, चूंकि ये सबसे अपर वाले पार्ट में है तो इसको हम बोलेंगे बाईपैराइटल। अब बाईपैराइटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पैराइटल बोन होती है, पैराइटल बोन का जो एमिनेंस वाला पार्ट होता है वो एक बोन से लेके, मतलब अगर ये पैराइटल बोन का एमिनेंस वाला पार्ट है तो सेकेंड जो इधर होगा, मतलब अगर ये अगर राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का, तो राइट जो पैराइटल बोन का एमिनेंस होगा यहाँ से लेके जो लेफ्ट साइड पैराइटल एमिनेंस होगा वहाँ तक जो डायमीटर होता है उसी को बोलते हैं बाईपैराइटल डायमीटर, और इसकी जो लेंथ होती है वो 9.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने बताया आपको कि एक मान लीजिए कि ये ह्यूमन फेस है तो इसके ईयर है, ईयर कितने हैं 2 है, और ये किस शेप में है 8 शेप में है, तो 8 के आगे हम 2 लगा देते हैं 8.2, और ये कौन सा हो जाएगा, चूंकि ईयर के पास ही है तो ईयर के पास कौन सी बोन होती है, देखिए जो बाई टेम्पोरल बोन होती है वो यहीं पे होती है, तो ये हो गया हमारा बाई टेम्पोरल। नेक्स्ट हम देखेंगे बाई मेस्टोइड, तो जो बाई मेस्टोइड वाला पार्ट होता है ये सबसे नीचे होता है तो इसको हम सबसे कम नंबर देंगे, मीन्स 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा बाई मेस्टोइड डायमीटर। तो देखिए आप इजली यहाँ से याद कर पाएंगे, जो सबसे ऊपर वाला है उसको हम सबसे ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं 9.5 सेंटीमीटर, उसको मार्क्स मान लीजिए दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और जो सबसे नीचे वाला है उसको हम 7.5 सेंटीमीटर दे रहे हैं। और अगर इसको हमको याद करने में दिक्कत होगी तो इसलिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये ह्यूमन है और इसके ये ईयर है 2 ईयर है 8 शेप के हैं तो 8.2, और ये कहाँ पे होता है ईयर, ईयर जस्ट टेम्पोरल बोन के नीचे होता है तो यहाँ पे हम बाई टेम्पोरल, और मस्टाइड बोन जो होती है वो चिन के जस्ट ऊपर होती है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाई मस्टाइड डायमीटर। तो ये तीनों जो डायमीटर थे हमने इसको याद कर लिया, और जो 4 डायमीटर होता है यहाँ पे हमने बताया है कि ट्रांसवर्स डायमीटर में 4 डायमीटर होते हैं, तो 3 डायमीटर तो हमने पढ़ लिए 1, 2, 3। अब जो 4 डायमीटर होता है ये कहाँ पे होता है इसके लिए हम ऐसे जान सकते हैं,
ये हो गया बेबी का हेड। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ये है फ्रंटल बोन, ये है फ्रंटल बोन, ये दोनों है पैराइटल बोन। और ये पीछे साइड है ऑक्सीपिट, इसको कहते हैं कोरोनल सूचर, इसको कहते हैं फ्रंटल सूचर, इसको बोलते हैं सजाइटल सूचर, और इस सूचर को बोलते हैं लंबोडाइडल सूचर। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एंटीरियर फ्रंटनल और इसको बोलते हैं पोस्टीरियर फ्रंटनल। एंटीरियर फ्रंटनल जो होता है ये डायमंड शेप का होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे भी फ्रंटल सूचर, कोरोनर सूचर और सजाइटल सूचर मिल रहे हैं यहीं पे बन रहा है ब्रिग्मा। इसका सेकेंड नेम है ब्रिग्मा। ब्रिग्मा से ही हम जो डायमीटर है उसमें ऐड होता है ब्रिग्मैटिक। जहाँ पे भी ब्रिग्मैटिक लगा है उसे आप इजीली समझ जाएगा कि वहाँ पे ब्रिग्मा वाला पार्ट इंक्लूड है। हमने पढ़ा था अभी जब हम ट्रांसवर्स डायमीटर पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि मेनली 4 डायमीटर होते हैं इसमें। तो फर्स्ट जो होता है, जो फर्स्ट हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा यहाँ पे ये 9.5 सेंटीमीटर का होगा और मेजरमेंट इसका होगा, इसको बोलेंगे हम बाई पेराइटल। जो इंग्लेंस वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डायमीटर है इसी को बोलते हैं बाई पेराइटल डायमीटर। जो दोनों पेराइटल बोन का इंग्लेंस वाला पार्ट होता है वहाँ एक पार्ट से लेके एक बोन से लेके दूसरी बोन तक का जो इंग्लेंस वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं बाई पेराइटल डायमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, हमने आपको बताया था 2 ईयर होते हैं तो 8.2, और ईयर जस्ट कहाँ पे होते हैं टेम्पोरल बोन के, तो बाई टेम्पोरल कहाँ होगा कोरोनर सूचर के जस्ट ऊपर होता है। ये जो कोरोनर सूचर आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोरोनर सूचर के जस्ट ऊपर होता है, इसी को बोलते हैं बाई टेम्पोरल डायमीटर। तो यहाँ पे 2 डायमीटर हमारे कंप्लीट हो गए, एक बाई पेराइटल और एक बाई टेम्पोरल। अभी हमको 2 डायमीटर पढ़ने हैं। तो थर्ड जो डायमीटर है वो है बाई मेस्टॉइड, जो मैं इस फिगर में आपको नहीं बता पाऊंगी। तो इस फिगर में आपको मैंने बताया था कि बाई मेस्टॉइड जो चिन्ह होता है इसके जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है यहीं पे होता है, मेस्टॉइड बोन होती है इसलिए इसको बोला जाता है बाई मेस्टॉइड डायमीटर। ये होता है 7.5 सेंटीमीटर, ये सबसे नीचे है इसलिए इसको हम सबसे कम मार्क्स दे रहे हैं। अभी एक और होता है जिसको बोलते हैं सुपर सब पेराइटल डायमीटर। अब सुपर जैसे कि नाम से ही कंफर्म है कि सुपर मींस ऊपर, तो देखिए सुपर मींस ऊपर मींस जो ये इमिनेंस है इससे थोड़ा सा ऊपर, जो पेराइटल बोन में थोड़ा सा ऊपर होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा, इसी को बोलेंगे सुपर बाई पेराइटल डायमीटर बाईपेराइटल। तो बाईपेराइटल कहाँ पे होगा, जो भी पेराइटल बोन होगी पेराइटल बोन का जो इमिनेंस वाला पार्ट होगा तो एक पेराइटल बोन से लेके दूसरे पेराइटल बोन तक का जो इमिनेंस वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे बाईपेराइटल डायमीटर, जो 9.5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हमने आपको यहाँ पे बताया था फिगर के थ्रू कि ये ईयर है, ईयर 8 शेप का होता है, 2 ईयर होते हैं तो 8.2 लिख देंगे। और ये कौन सा डायमीटर है, ये ईयर के जस्ट ऊपर जो टेम्पोरल बोन होती है स्थित होती है, तो इससे हम इजीली याद कर सकते हैं बाई टेम्पोरल। तो बाई टेम्पोरल जो डायमीटर होता है ये कोरोनर सूचर जो होता है उसके जस्ट ऊपर होता है, सुपर बाई पेराइटल डायमीटर। तो सुपर का मतलब ये होता है ऊपर, मीन्स जो पेराइटल बोन है पेराइटल बोन का जो इमिनेंस वाला पार्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर जो पार्ट है, वन पार्ट से लेके जो सेकेंड पार्ट है यहाँ तक का जो यहाँ तक की जो बोन होगी उसको बोलेंगे सुपर बाई पेराइटल डायमीटर। और ये होता है 8.5 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कि यहाँ पे हमने इजली तैयार कर लिया अपना ग्राफ जिसमें हमने देखा ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर भी हमारा कंप्लीट हो गया कि ट्रांसवर्स डायमीटर में जो 4 डायमीटर थे वो भी हमने पढ़ लिए। अब जो
एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू पढ़ लें कि कहाँ पे कौन सा डायमीटर सिचुएटेड होता है। क्योंकि जो ट्रांसवर्स डायमीटर था इसको तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन अभी जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर था ये क्लियर नहीं हुआ है, इसको सिर्फ हमने ग्राफ के थ्रू पढ़ा है। तो हम इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू पढ़ लेते हैं। पढ़ रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। इसके लिए पहले हम फीटल स्कल बना लेते हैं। हो गया हमारा फीटल स्कल। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे। सबसे पहले हम अपने ट्रिक के जैसे लिखेंगे, जैसे हमने वहाँ पे आपको बताया था कि आप ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे। तो पहले हम टू टू का पेयर बनाएंगे, टू टू का पेयर बनाएंगे, ऐसे शेप आपका बन ही रहा है, मीन्स वी। तो देखिए वन टू, उसके बाद बी बी एफ एफ, यहाँ पे टू टू का पेयर हमारा बन गया। अब हमको बनाना है थ्री थ्री का पेयर, एम 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 और जीरो जीरो जीरो। अब ये अपर वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट छोड़ देना है, और फोर का पेयर हमको बना लेना है एस का। ये कंप्लीट हो गया हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमने लिख दिया। अब देखिए कैसे इसको हम देखेंगे कि फिगर के थ्रू कि कहाँ पे कौन सा डायमीटर होता है। तो पहले हम जो पार्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं फेस। ये हो गया फेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसे बोलते हैं ब्रो। अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। यहाँ पे जो दिखा रहा है आपको ये है एंटीरियर फ्रंटनल और ये है पोस्टीरियर फ्रंटनल। इसको जो एंटीरियर फ्रंटनल होता है इसको ब्रेग्मा भी कहते हैं, ये इसका सेकेंड नेम है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं ऑक्सीपुट, बोन होती है ये। जो फीटल स्कल है इसको हमने बना लिया। अब इसके जो पार्ट्स हैं उसको भी हमने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट है हमारा मेंटो वर्टिकल, जो मेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए नाम से मेंटो वर्टिकल, मेंटो मेंटो मीन्स होगा मेंटम। मेंटम कहाँ पे होता है, जो ये चिन्ह वाला पार्ट होता है यहीं पे होता है मेंटम। मेंटम तो मेंटम और वर्टिकल मीन्स जहाँ पे वर्टिक्स का बिल्कुल पिक पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट कहें या पिक पॉइंट कहें, जहां पे भी वर्टेक्स का हाई पॉइंट होगा वहीं पे मेंटो वर्टेक्स वाली लाइन होगी, वो जाके मिलेगी। तो ये देखिए ये हो गया हमारा मेंटो वर्टेक्स डायमीटर, नाम से ही कंफर्म हो गया। मेंटो मींस मेंटम और वर्टिकल मींस वर्टेक्स। हमने आपको बताया था कि ये सबसे ऊपर है तो इसका जो मेजरमेंट होता है ये भी सबसे ज्यादा होता है, मीन्स 13.5 सेंटीमीटर से लेके 14 सेंटीमीटर तक ये होता है। तो ये कितना होगा 13.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सब मेंट्रो वर्टिकल। मेंट्रो वर्टिकल हमने पहले ही पढ़ लिया, यस का मतलब हमने आपको बताया था कि जहां पे भी यस लगा उसका मतलब होगा सब। तो यहाँ पे है सब मेंट्रो वर्टिकल। तो सब मेंट्रो वर्टिकल कहाँ होगा, अब यहाँ पे मेंटम तो हम जान रहे हैं कि मेंटम यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे दे रहा है सब सब मेंटो वर्टिकल। जो सब मेंटो वर्टिकल तो जो सब मेंटम वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे होता है नेप ऑफ द नेक के पास, यहाँ पे होता है नेप ऑफ द नेक, यहीं से स्टार्ट होता है सब मेंटम पार्ट। तो सब मेंटो वर्टिकल तो यहाँ से ले जाएंगे सब मेंटो वर्टिकल। एक चीज और आपको यहाँ बता दें कि जो ये मेंटो वर्टिकल वाला डायमीटर है ये सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर है, ये सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर है। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है लॉन्गेस्ट डायमीटर के बारे में, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर है। अब हमारा ये सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर भी कंप्लीट हो गया। ये कितना था हमने आपको बताया था, ये होगा 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एस मीन्स सब, एम मीन्स मेंटो और बी मीन्स
ब्रिगमेटिक, क्योंकि यहाँ पे ब्रिग्मा जो हमने आपको अभी बताया कि जो एंटीरियर फ्रंटल होता है इसका सेकंड नेम ब्रिग्मा भी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रिगमेटिक। तो सब मेंट्रो ब्रिग्मेटिक। अब सब मेंट्रो, सब मेंट्रो हमने आपको बताया कि जो नेप ऑफ द नेक वाला पॉइंट है इसी को बोलते हैं सब मेंट्रो, तो सब मेंट्रो ब्रिग्मेटिक। तो ये डायमीटर ऐसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सब मेंट्रो ब्रिग्मेटिक। अब ये कितना था याद करिए कि जो ये नीचे वाला पार्ट था 11.5 था, उसके बाद सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल था 10 सेंटीमीटर था, सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक 9.5, सब मेंट्रो ब्रिग्मेटिक 9.5, मीन्स ये 9.5 था। इसके बाद तुमको पता ही है 11.5 और ये 13.5 to 14। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सब मेंट्रो ब्रिग्मेटिक, तो सब मेंट्रो ब्रिग्मेटिक कितना है 9.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गया, तीन डायमीटर हमने अब तक पढ़ लिए। अब हमको तीन और देखने हैं, तो फोर्थ कौन सा है, सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक। अब देखिए सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक, ऑक्सीपिटो मतलब रिलेटेड है ऑक्सीपिटल बोन से, और सब सब का मतलब है थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पे ऑक्सीपिट बोन है और ऑक्सीपिट बोन से थोड़ा सा नीचे होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो रीजन। तो जो फोर्थ वाला हमारा डायमीटर होगा सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक स्टार्ट होगा सब ऑक्सीपिटल रीजन से, और कहाँ पे जाके जुड़ेगा ब्रिग्मेटिक में, तो सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक। और इसकी लेंथ कितनी होती है 9.5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे हम सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो पता ही है और फ्रंटल पता करना है। तो हमने आपको बताया था कि ये जो ब्रो वाला पार्ट है यहीं पे फ्रंटल बोन भी होती है, यही होती है फ्रंटल बोन, और फ्रंटल बोन से ये बना होता है यहाँ पे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। फ्रंटल बोन का जो ये मिड पॉइंट होता है, यहाँ मिड पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, या कि यहाँ पे लैलिंग जुड़ी सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर कहाँ से होगा, जो सब ऑक्सीपिटो रीजन होगा यहाँ से लेके जो फ्रंटल बोन का मिड पॉइंट होगा वहां तक की जो लाइनिंग होगी उसी को बोलेंगे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ये कितना होता है 10 सेंटीमीटर। हमने 5 डायमीटर पढ़ लिए, अब लास्ट डायमीटर है ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल कहाँ पे हो, ऑक्सीपिटो तो हमको पता है कि ये ऑक्सीपिटो है, ये ऑक्सीपिट है, तो ये हो गया ऑक्सीपिटो। अगर सब ऑक्सीपिटो होता तो हम इस पार्ट से लेते, लेकिन ऑक्सीपिटो दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीपिटो, तो हम इस वाले पार्ट से लेंगे। तो ऑक्सीपिटो, अब इधर फ्रंटल कौन सा भाग फ्रंटल का, तो यहाँ पे जो आई होती है, आई के जो दोनों आईब्रोज होती हैं आई की, इनके बीचों बीच एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्लैबला, और ये ग्लैबला जो होता है इसी को बोलते हैं, ये जो ग्लैबला वाला पार्ट होता है यहीं से जो ऑक्सीपिटो फ्रंटल होता है ये आके डायमीटर जोड़ता है, मीन्स जो ग्लैबला वाला पार्ट है यहाँ से लेके ऑक्सीपिट जो बोन है वहां तक का जो डायमीटर होगा इसी को बोलेंगे हम ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। तो ये कितना लेंथ में होता है 11.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहाँ पे जो 6 डायमीटर थे उनको कंप्लीट कर लिया बाय फिगर। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा डायमीटर से रिलेटेड चैप्टर, आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि डायमीटर जल्दी किसी को याद नहीं होता, लेकिन अगर आप इस फिगर के थ्रू और जो ट्रिक मैंने बताया उसके थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि 1 से 2 मिनट में आपको डायमीटर हमेशा के लिए याद हो जाएगा और ये आपको कभी नहीं भूलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।